हेलो दोस्तों, कैपे साइड में आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग लेकर नई कैंपस प्लेसमेंट का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, एक कंपनी कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगाने के लिए दोस्तों, पांच पांच कंपनी मिलकर कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए दोस्तों, और पाँचों बहुत ही बड़ी कंपनी दोस्तों जो कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 10th 12th ITI डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट इसमें भाग लेकर जॉब पा सकते हैं, उसके साथ ग्रेजुएशन भी भाग ले सकते हैं, और उसके साथ दोस्तों जो BSc टेक्नोलॉजी से किए हैं वो भी इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेकर जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों, ऐसे मौके को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं सारी कंपनी के बारे में दोस्तों इसके ऑफिस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कि कौन सी कंपनी में कितना सैलरी दिया जा रहा है, कौन सी कंपनी में क्या क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है, क्या एज लिमिट रखा गया है, सारा कुछ दोस्तों मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। कहाँ कैंपस प्लेसमेंट लगाने की जा रही है, किस डेट पर लगाई जा रही है, तो दोस्तों सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से एंड तो इस वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल्स में। उससे पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन करके रखिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी जाती है, आईटी संबंधी जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोगों को दी जाती है। चलो तभी चलते हैं पाँचों कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग पाँचों कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाँच है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पाँचों कंपनी का नाम दिया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, लवा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी आ रही है कैंपस प्लेसमेंट लगाने की, वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन कंपनी आ रही है, डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, भारत टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, और जेनिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ रही है दोस्तों। ये पाँचों कंपनी दोस्तों मिलकर ये रोजगार मेला लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों। तो चलो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो लवा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी है इसमें 10th 12th ITI पास आउट स्टूडेंट को दोस्तों लिया जा रहे हैं। जो वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन कंपनी दोस्तों, इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन वालों को और डिप्लोमा मैकेनिकल वालों को लिया जा रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में 10th 12th ITI एंड डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट को लिया जा रहा है, और भारत टेक्नोलॉजी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दोस्तों ITI पास एंड BSc टेक्नोलॉजी को लिया जा रहा है। जेनिक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ITI एंड डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट को दोस्तों लिया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पांचों कंपनी में अलग अलग क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है दोस्तों। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जिनका जिनका क्वालिफिकेशन है दोस्तों दिया हुआ, वही इस कैंपस क्वेश्चन में भाग लेकर जॉब पा सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट दोस्तों इस कैंपस क्वेश्चन में भाग ना लीजिए, क्योंकि आपको इसमें दोस्तों नहीं लिया जाएगा दोस्तों। जिनका क्वालिफिकेशन दिया गया उन्हीं को इसमें लिया जाएगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे पासिंग ईयर भी दे दिया गया है, जो ITI पास आउट दिया गया वो 2017 से 22 तक जो पास किया दोस्तों, वो इस कैंपस क्वेश्चन में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। ये सिर्फ ITI वालों के लिए दोस्तों पासिंग ईयर दिया गया है, कोई दोस्तों इसमें 10th 12th और डिप्लोमा BSc वालों के लिए नहीं दिया गया दोस्तों। ओनली सिर्फ ITI के लिए पासिंग ईयर दिया गया दोस्तों। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। जॉब रोल जो आपका रहने वाला है, लवा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी, वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन कंपनी, और डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी, भारत टेक्नोलॉजी कंपनी, और जेनिस इंजीनियरिंग कंपनी में दोस्तों आपका जो है जॉब रोल रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट रहने वाला है, यहाँ पे पांच डिपार्टमेंट में भाग किया गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं असेंबली प्रोडक्शन ट्रेनिंग में दिया जाएगा, असेंबली जो मोटर रोल होता है प्रोडक्शन उसमें दिया जा सकता है, और विजुअल में दिया सकते हैं, और प्रोडक्शन ट्रेनर में आपको दिया जा सकता है। तो पांच डिपार्टमेंट में दोस्तों जो हो इसमें आपको जॉब करना पड़ेगा दोस्तों कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट रहने वाला है, डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों आप लोगों को। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जॉब लोकेशन दिया जाएगा वो लवा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी नोएडा में है, तो नोएडा में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन जो है कंपनी ये गुजरात में है, तो गुजरात में आपको जॉब लोकेशन दिया जाएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी नोएडा में है, तो वहीं पर आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। भारत टेक्नोलॉजी भी गुजरात में है दोस्तों, और जेनिक्स इंजीनियरिंग कंपनी जो बड़ोदरा गुजरात में है दोस्तों, तो आपको वहीं पर आपका जॉब लोकेशन रहने वाला दोस्तों। यहाँ पर कंपनी के साथ साथ आपका जॉब लोकेशन भी दे दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। और सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग सैलरी दिया जाएगा क्वालिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों। यहाँ पे सैलरी आपको दिया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कंपनी में कितना क्या सैलरी दिया जा रहा है क्वालिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैं पढ़ के बता दूंगा तो दोस्तों इसमें टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको देख लीजिए आराम से, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देख लीजिए, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। तो चलो दोस्तों हम नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा वो आप लोग समझ लीजिए, वो अपडेट रिज्यूम आपको लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ ITI का मार्कशीट, डिप्लोमा का मार्कशीट लेके जाना है, ग्रेजुएशन के अंदर ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेके जाना है, और फोटो चार कॉपी कलर वाला लेके जाना है। उसके साथ दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट का दोस्तों जेरॉक्स कॉपी के साथ में आप लेके जाएगा, उसके साथ ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आप लेके जाएगा, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना दोस्तों। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है दोस्तों, सारे क्वालिफिकेशन का मार्कशीट लेके जाइएगा साथ में। और दोस्तों जो ये कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, 7 सितंबर 2022 को कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। सुबह 10 बजे आपको जाना है, कहाँ जाना है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। वेन्यू दिया गया है जो जो श्री विनायक जो फाउंडेशन देख सकते हैं, NISO 9001
2015 सर्टिफिकेट ओरिजिनल विलेज प्लस कोर्ट देख सकते हैं चंद्रा डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा पिन नंबर भी दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा दोस्तों 7 सितंबर को। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर भी दिया गया दोस्तों, ईमेल भी दिया गया दोस्तों। तो आप इस नंबर पे दोस्तों कॉल करके जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अपना आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों, जाइए आप लोग इस कैंपस में भाग लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।